नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोधपुर में शाह ने कहा किसी ने शरणार्थियों की नहीं की चिंता। अमित शाह का राहुल गांधी पर तीखा हमला। कोटा में 34 दिन में 105 नवजातों की मौत का मामला। प्रशासन ने मंत्री के स्वागत में ग्रीन कारपेट बिछाया। और भरतपुर के बयाना में इंजन चालक और पॉइंट मैन की बड़ी लापरवाही आई सामने। भरतपुर रेल मार्ग पर पटरी से उतरा रेल इंजन। और अब खबरें विस्तार से। कोटा में जेके लोन सरकारी अस्पताल में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। शुक्रवार सुबह यहां एक नवजात ने और दम तोड़ दिया। जिस बच्चे की मौत हुई उसका 15 दिन पहले ही जन्म हुआ था। माता पिता उसका नाम भी नहीं रख पाए थे। अस्पताल में पिछले 33 दिन में 104 नवजातों की मौत पहले ही हो चुकी है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 105 पहुंच चुका है। साल 2019 में यहां 963 बच्चों ने दम तोड़ा था। मासूमों की मौत के बावजूद प्रशासन बेशर्म है। जयपुर से 4 घंटे की दूरी होने के बावजूद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने गुरुवार तक यहां दौरा नहीं किया था। शुक्रवार को वे अस्पताल पहुंच रहे हैं तो प्रशासन ने उनके स्वागत में ग्रीन कारपेट बिछवा दिया है। मंत्री रघु शर्मा को फील गुड कराने के लिए प्रशासन ने रातोंरात अस्पताल की कायाकल्प पलट दी। सभी वार्ड में सफाई और पुताई हो गई। बेड पर नई चादरें बिछा दी गई। यहां तक कि सुबह 8 बजे ही सभी डॉक्टर अपने कमरों में घुस गए। मरीजों और उनके परिजनों से कहा गया कि वे स्वास्थ्य मंत्री के सामने सब कुछ अच्छा ही बताएं। मंत्री की आवभगत के लिए अस्पताल के मेन गेट पर बिछाए गए ग्रीन कारपेट पर मरीजों और उनके परिजनों ने आपत्ति जताई। मरीजों का कहना है कि मंत्री यहां किसी उद्घाटन समारोह में आ रहे हैं या अस्पताल की समस्याएं दूर करने। जिन मासूमों की मौत हुई है उनके परिजन बोले, जेके लोन अस्पताल में मंत्री के लिए ग्रीन कारपेट बिछाने से क्या बीत रही है उन पर, हमसे पूछे। जेके लोन कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इसी क्षेत्र के सांसद है। इधर धैयाबाद में आगामी सरपंच चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव में भाजपा पार्टी की ओर से सरपंच पद के लिए कई प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार शाम को सर्वदलीय बैठक पुराना छात्रावास में आयोजित की, जिसमें सर्वसहमति से यह निश्चित किया गया कि सरपंच पद हेतु रामलाल मीणा ही अगले उम्मीदवार होंगे। अगले सरपंच पद के प्रत्याशी के नाम की घोषणा देर रात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। इस सभा में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामलाल मीणा ने बताया कि जीतने के बाद धैयाबाद के विकास का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ किया जाएगा। इधर भरतपुर के रुदावर में हर जगह चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं तो वहीं कुछ जगह प्रत्याशियों ने चुनावी रैलियां शुरू कर दी है। वहीं इन चुनावी रैलियों का जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। इसी तरह की कुछ चुनावी रैली भरतपुर जिले की बरोदा ग्राम पंचायत में देखने को मिली, जहां सरपंच पद प्रत्याशी अमित जाटव का काले बरोदा के नेतृत्व में साफा बांध और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर अनीता बरोदा, श्रीराम सरपंच, अटर सरपंच, गिरधर गुमान, हंसा बरोदा, भजनलाल, हिम्मत मीणा, गंभीरी, बीरी सिंह दूधिया आदि कई संख्या में लोग मौजूद रहे। इधर भरतपुर के बयाना में भरतपुर रेल इंजन मार्ग पर श्री केला देवी रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह शंटिंग करते समय ट्रेन का पावर इंजन पटरी से उतरकर बगल में बने कच्चे फुटपाथ पर चला गया। अनायास ही हुए इस हादसे में वहां हड़कंप मच गया
और उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पाकर बयाना और भरतपुर से रेलवे के अधिकारी यातायात अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हादसे के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में रेलवे ने कहा कि वहां तैनात पॉइंट मैन को निलंबित कर प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। यह हादसा सुबह तब हुआ जब गुरुवार को झील का बाड़ा और पिंगोरा रेलवे स्टेशन के बीच अचानक जाम हुए मालगाड़ी के इस इंजन को जब झील का बाड़ा रेलवे स्टेशन लाकर उसकी शंटिंग करवाई जा रही थी, तभी यह हादसा इंजन शंटिंग लाइन पर निर्धारित पॉइंट से काफी आगे निकल गया और शंटिंग लाइन पर इंजन रोकने के लिए लगे धक्के को भी तोड़ता हुआ आगे जाकर पटरी से इंजन उतर गया, पटरियों के बगल में बने कच्चे फुटपाथ पर पहुंच गया। इस घटना में चालक की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। रेल कर्मियों की टीम कड़ी मशक्कत कर इस इंजन को पुनः रेलवे ट्रैक पर चढ़ाने और ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटी है, लेकिन इस पूरे हादसे में चालक और पॉइंट मैन की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। इधर राजस्थान में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार टिड्डियों के दल द्वारा फसलों को नष्ट किया जा रहा है, तो वहीं टिड्डियों ने अब सिरोही जिले में भी दस्तक दे दी है। इस दस्तक ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है और टिड्डियों के आतंक को देखते हुए प्रशासन के होश उड़ चुके हैं। तो वहीं आज ये टिड्डी दल पिंडवाड़ा तहसील के बिलर गांव में आधमका और फसलों को तबाह करते हुए नष्ट करते हुए सारी फसल चट कर दी। साथ ही टिड्डियों के जिले में आने पर जिले भर में किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों को डर है ना जाने ये टिड्डे दल कब उनकी फसलों को चट कर देगा। तो वहीं टिड्डियों को भगाने के लिए ग्रामीण और किसान जैसे तैसे करके कोई ढोल बजाकर तो कोई थाली बजाकर तो कोई फटाके जलाकर टिड्डियों को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अधिकारियों के द्वारा भी इनको भगाने के लिए जद्दोहद की जा रही है और प्रशासन लगातार इनको भगाने में जुटा हुआ है। 3 दिन पहले भी पिंडवाड़ा क्षेत्र में टिड्डी आए थे, लेकिन वापिस इसने दूसरी तरफ रुक कर लिया था, लेकिन इस बार एक बार फिर जिले में आने पर हर कोई इनको भगाने के लिए कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। करके जाएगी वहाँ पर वो रिएक्ट करती है, वो जो है उसके सिस्टम में जाकर के ना और उसको जो है फिल करती है। तो इमीडिएट अगर उसका रिजल्ट अगर हम कोई कहे कि इमीडिएट ये तो मर नहीं रही साहब, आपकी तो दवा नकली है, लेकिन आगे इधर जयपुर के पास स्थित बास्को कस्बे में बंदरों के आतंक होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय तो पार्टियों के प्रतिनिधि वोट मांगते हैं, जब जीत जाते हैं उनके पास जब आमजन भी अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो प्रतिनिधि आश्वासन देकर वापस भेज दिया करते हैं। इस प्रकार महिलाओं का भी कहना है कि आए दिन बंदरों के आतंक से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी सुबह छत पर करीब 50 से ज्यादा बंदर एक साथ नजर आते हैं, तो कभी रसोई में से सामान उठा ले जाते हैं, कभी कपड़े फाड़ देते हैं। बच्चों के स्कूल जाने के दौरान बंदरों से हमेशा ही डर का माहौल बना रहता है। अब से पहले भी क्षेत्र में बंदरों के आतंक से कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई भी ध्यान इस ओर नहीं लगाया। आतंक फैल रहा है और मेरे बच्चे को सुबह खा गया, फिर भी कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। कई बार प्रशासन को अवगत करा दिया पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बंदरों का बहुत ही ज़्यादा वो फैल रहा है आतंक, बच्चे बच्चे के ऊपर हमला कर रहे हैं बंदर। आज सुबह ये
ये ऐसे लिपट गया बंदर और बच्चे को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है और जगह जगह से नोच लिया ये। इधर भरतपुर के रुदावल में उद्घाटन मैच के साथ बसई गांव में शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच बसई जूनियर और बसई सीनियर टीम के मध्य हुआ जो कि काफी रोमांचक हुआ, जिसमें बसई सीनियर टीम ने जूनियर टीम को संघर्ष भरे मुकाबले में शिकस्त दी। मैच आयोजक रवि ने बताया कि गांव में शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम विजेता को 11,000 तो वहीं उप विजेता को 7100 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर ब्रजेश, धर्मेंद्र, भूरा, नारायण, अजय के साथ सोनू, सिकरवार, रवि, सुभाष और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भरतपुर के मयाना में स्टेट हाईवे पर शुक्रवार को गांव विडियारी के पास भरतपुर की ओर से आ रही एक बेकाबू पिकअप गाड़ी असंतुलित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे इस गाड़ी में भरे अंग्रेजी शराब के खाली पौवे सड़क पर बिखर गए। वहां चारों ओर कांच के टुकड़े फैल गए, जिन्हें ग्रामीणों ने झाड़ू लगवाकर हटाया। सड़क पर पलटी इस पिकअप को ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से सीधी कर वापस खड़ा किया। पिकअप के फेर से सीधा खड़ा होते ही उसका चालक उसे वापस भरतपुर की ओर ले भागा। अंग्रेजी शराब के यहाँ खाली पौवे केवल एक ही ब्रांड के हैं, जो अलग अलग बोरियों में भरे हुए थे। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनाव के चलते नकली शराब माफियाओं की ओर से ये पौवे मंगवाए गए होंगे। फिलहाल इन खाली पौवे और पिकअप गाड़ियों को वापस भगा लेने को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जो वहां कोई भी व्यक्ति और पिकअप गाड़ी को नहीं मिलने से वापस बैरंग लौट आई। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। केवल इतना बताया गया कि इस पिकअप में भरे पौवे किसी कबाड़ी के यहां भी जा सकते हैं। इधर नसरुल्लागंज में प्रशासन के नाक के नीचे से अवैध परिवहन कर राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जी हां, रेत माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए डीएसपी मंजू चौहान ने नसरुल्लागंज के सिलकंठ घाट पर एक जेसीबी सहित 2 रेत से भरे डंफरों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि नसरुल्लागंज में एसडीओपी प्रकाश मिश्रा कुछ दिनों से मेडिकल की छुट्टियों पर है। उसी दौरान एसपी एसएस चौहान के निर्देश पर डीएसपी मंजू चौहान को नसरुल्लागंज की कमान सौंपी गई। उसी दौरान उन्होंने लगातार रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। नसरुल्लागंज सहित तमाम क्षेत्र में रेत माफियाओं में हड़का मचा हुआ है। लगातार बीती रात में राजस्व पुलिस माइनिंग प्रशासनिक तंत्र अपनी ईमानदारी से ड्यूटी के दौरान कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि डीएसपी मंजू चौहान पहली बार नर्मदा किनारे इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिसमें रेत माफियाओं में हड़का मचा हुआ है। लगातार प्रशासनिक तंत्र भी अपनी पूरी ईमानदारी से कार्रवाई कर रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर से, जहां नागरिकता कानून के समर्थन में सभा करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जोधपुर पहुंच चुके हैं। शाह ने कांग्रेस पर सीए पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस, ममता, कम्युनिस्ट और केजरीवाल एंड कंपनी इस कानून का विरोध कर रही है। मैं आज इन्हें चुनौती देने आया हूं। इस जमीन से अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया था, आज मैं जन जागरण करने आया हूं। शाह के साथ जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। जोधपुर के केशव परिसर में सीए के समर्थन में हुई सभा में अमित शाह ने कहा, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, यह किसने किया? कांग्रेस जवाब दे।
ये फैसला कांग्रेस ने किया था। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल बाबा कानून पढ़ा है तो चर्चा करने के लिए आ जाइए, सीए को पढ़ लीजिए, इसमें कहीं भी किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, यह नागरिकता देने का कानून है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपनी स्वार्थ के लिए भारत माता के और भारत माता के सपूतों के, मेरे शरणार्थी भाइयों बहनों के हितों के खिलाफ अगर जाते हैं तो हम भी जनता के पास जाएंगे और जन जागरण करेंगे। और इस सीए कानून के लिए, नागरिकता संशोधन कानून के लिए हम देश की जनता के सामने हमारा पक्ष लेकर जाएंगे। मित्रों, आज कांग्रेस ममता दीदी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।